आज वैसे गणेश चतुर्थी है तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। मैं एक्चुअली भूल गया था आप लोगों को विश करने के लिए, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 10 तारीख और आज है मेरा ECT का टेस्ट। तो आज चलो चलते हैं और देखते हैं आज का सीन कैसा रहता है। और अभी मैं जस्ट कंपनी में हूँ और अभी दिन के 7:30 बज रहे हैं, 7:40 हो गए हैं। तो बस 10 मिनट बाद चलते हैं अपने रूम और आज का सीन देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ रातों दिन बारिश हो रही है, अभी तो सही है मौसम, अभी मस्त है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी भरा रहता है इधर। हेलो गाइस, तो अभी मैं छत पर आ गया हूँ जैसे कि देख सकते हैं, और अभी मैं टाकी पे बैठा हूँ, पानी चेक करने के लिए आया था, पानी भर रहा है कि नहीं। बस देख सकते हो ऊपर से कुछ ऐसा है सीन, थोड़ा बात नहीं कर पा रहा यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, जब मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करता हूँ तो बहुत मतलब सैड रहता हूँ, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है कि यार आज फिर मेरा काम नहीं हुआ, तो सोचना पड़ता है। पता नहीं इतने लगाव कैसे लग गया, बट इधर भी चेक कर लेते हैं, ये सब ऑटोमेटिक है वैसे, बट चेक करना ज़रूरी रहता है। पानी भरने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये भर गया है, अभी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चलो तो गाइस, चलो चलते हैं। और अभी मेरे को रूम नहीं जाने का है, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि टेस्ट कराना है। 10 के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो डॉक्टर मेरे को बोला कि सुबह जल्दी आने का, हो सकता है तो 7-8 बजे। तो अभी वैसे तो 8:30 हो गया है, मतलब 8:40 हो गया है, तो सीधे चलते हैं अपन टेस्ट कराने और वहाँ से फिर रूम आते हैं, क्या बोलते हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आगे का सीन, क्या बोलते हैं। तो गाइस, फाइनली मेरा टेस्ट हो गया है और रिपोर्ट भी आ गया है, देख सकते हो आप लोग ECG रिपोर्ट। और मैं कंपनी से डायरेक्ट टेस्ट कराने आ गया था, नीचे वीडियो बनाया नहीं था। और चलो अभी चलते हैं और देखते हैं आगे का सीन। तो गाइस, अभी केला ले लेते हैं और 40 रुपये दर्जन मिल रहा है, तो केला ले लेते हैं यहाँ से। नहीं, 40 एक दर्जन 12 ही ना। मैं भाजी मार्केट पहुंच गया हूं, तो अभी भाजी ले लेते हैं, भाजी ख़त्म हो गया, वैसे डेली लेना पड़ता है। अरे गाइस, आज वैसे गणेश चतुर्थी है तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। मैं एक्चुअली भूल गया था आप लोगों को विश करने के लिए, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आगे मिलेगा शायद, गाइस फाइनली मैंने सब्जी ले लिया है, ये देख सकते हो बीन्स और पत्ता गोभी, और अभी चलते हैं रूम। तो गाइस, मैंने सब्जी और केला ले लिया है, देख सकते हो आप लोग, और अभी लेना है मेरे को दूध और अंडा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में यही होता है मेरा। तो आगे एक दुकान है, काफ़ी दिनों बाद मैंने अमूल का दूध देखा, और मेरे को काफ़ी दिन से मैं अमूल का दूध ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था, नंदा कोई पता नहीं कौन कौन से दूध मिल रहा था। तो आज फाइनली मैंने देखा, एक दुकान है छोटी सी, वहाँ पे अमूल का दूध है और वहीं पे अंडे वगैरह है। तो चलो दूध अंडा लेते हैं और चलते हैं रूम, क्या बोलते हो। जो 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 मेरे को डॉक्टर बोलते हैं वही सारी चीज़ मैं खाता पीता हूँ,
अपने से कुछ भी नहीं लेता। और आज मेरा टेस्ट था, उसके बाद आज से पता नहीं कब है, पूछना पड़ेगा। तो गाइस बस मैं रूम पहुंच गया हूँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।